प्रेरितों के काम इसका दूसरा अध्याय और उसकी 17वीं आयत से हम देखेंगे। इसके जो शीर्षक है वो ये है 16वीं आयत से, योएल भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी और कुछ पदों के बाद में दाऊद राजा की भविष्यवाणी। तो ये पहले हम देखेंगे योएल नबी की जो भविष्यवाणी है वो क्या कहना चाहता है। योएल भविष्यवक्ता के द्वारा यह कहा गया है कि परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा कि वे भविष्यवाणी करेंगे। मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लोह आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लोह हो जाएगा और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। यानी योएल भविष्यवक्ता इस बात की भविष्यवाणी करता है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, यानी जब अंतिम समय आएगा, इस संसार का न्याय का समय जब आएगा उससे कुछ समय पहले, कुछ सालों के पहले, कुछ वर्षों पूर्व ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेल दूंगा। और ये बात आज हम देखते हैं कि परमेश्वर हरेक जाति के मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलता है ताकि वो उस आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उस आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पहचाने, प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़े और पूर्ण रीति से उस पर विश्वास करें। तो योएल भविष्यवक्ता ने जो भविष्यवाणी की उस भविष्यवाणी को यह पूरा होता हुआ हम देख रहे हैं। यानी परमेश्वर जब लोगों से भविष्यवाणी करवाता था उस भविष्यवाणी को पूरा करता था। तो बोले तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और मैं अपने दासों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा और वो भविष्यवाणी करेंगे। मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लोह आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लोह हो जाएगा और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। चिन्ह तरह तरह के होंगे और तरह तरह की बातें होंगी, लेकिन एक विशेष बात लिखी योएल ने वो ये कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह साफ शब्दों में कहता है कि जो कोई मेरे पास आएगा वो उद्धार पाएगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके पापों को क्षमा मिलेगी, जो कोई मेरे ऊपर भरोसा रखेगा वही मेरे राज्य में प्रवेश करेगा, जो संपूर्ण तन मन से मुझ पर विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा। और इसीलिए लिखा है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के हाथ में यह सारा अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार दिया है, सारी सृष्टि प्रभु यीशु मसीह ने बनाई है, सृष्टिकर्ता वो है और जो सृष्टि बनाई गई वो उसके लिए बनाई गई है कि उसको क्या करना है, उस सृष्टि का अंजाम क्या होगा वो प्रभु यीशु मसीह जानता है। एक दिन आएगा सब कुछ नाश हो जाएगा और इसलिए कहता है कि प्रभु का नाम जो लेगा केवल वही उतार पाएगा। और इसीलिए ये दावा हम कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई भी हमें उद्धार नहीं दे सकता, कोई भी हमारे पापों को प्रायश्चित नहीं कर सकता, हमारे पापों की क्षमा नहीं कर सकता। इसीलिए क्योंकि उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं आया जिसने लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए अपना लहू बहाया। केवल प्रभु यीशु मसीह है जिसने अपने शब्दों में ये इस्तेमाल किया कि मैं पापियों को बचाने आया हूँ, पवित्र लोगों को नहीं। तो जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, पवित्र समझते हैं, धर्मगुरु समझते हैं या बड़े बड़े शास्त्री और याजक और ये लोग हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं था। वो लोग अपने आप में अपने आप को बहुत धर्मी समझते थे। प्रभु यीशु मसीह केवल पापियों को बचाने आया और इसके अलावा किसी भी व्यक्ति ने चैलेंज नहीं किया कि पापियों को बचाएगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को चैलेंज कर सकता है कि अगर मैं पापों से प्रायश्चित करा सकता हूँ, मेरा लहू लोगों को पापों से छुटकारा दे सकता है, तो वही व्यक्ति उद्धार पाएगा जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मेरे द्वारा पापों की क्षमा मांगेगा, केवल वही उद्धार पाएगा। और इसलिए लिखता है वही उद्धार पाएगा जो प्रभु का नाम लेगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। और इसलिए हे इसराइलियों ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य कामों और आश्चर्य कामों और चिन्हों से प्रकट हुआ जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में उसके द्वारा कर दिखाया है जिसे तुम आप जानते हो। प्रभु यीशु मसीह जब मनुष्य बनकर जन्म लिया
तो पूरे संसार ने प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र ही माना। पूरे संसार ने एक शारीरिक रीति से जन्म लेने वाला बच्चा समझा, क्योंकि 9 महीने बाद ही उसका जन्म हुआ। एक व्यवस्था के अनुसार जन्म हुआ, एक व्यवस्था के द्वारा जन्म हुआ, लेकिन उसके विषय में साफ लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया था। इसने एक साधारण मनुष्य के द्वारा मरियम को बच्चा नहीं हुआ है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बच्चा हुआ है, परमेश्वर के अनुग्रह से बच्चा हुआ है, और इसीलिए लिखा है। लेकिन फिर भी लोगों को मनुष्य का पुत्र उत्पन्न हुआ है, मनुष्य वो बनकर आया, और ये परमेश्वर की ओर से आया था। लेकिन उसके विषय में लिखा है वो परमेश्वर का पुत्र था, उसका उसने प्रमाण दिया, बड़े बड़े सामर्थ्य के काम किए, आश्चर्य काम किए, जो लंगड़े बचपन से लंगड़ा था उसको उठा के खड़ा किया, जो बचपन से अंधा था उसको ठीक किया, 38 वर्ष का एक व्यक्ति जो कि लकवा में मारा हुआ होद के पास पड़ा था उसको बोला उठ के खड़ा हो जा, खड़ा हो गया। पेड़ पौधों को, अंजीर के पेड़ को बोला सूख जा, आज के बाद फल न लगे, सूख गया। समुद्र को बोला शांत हो जाओ, समुद्र शांत हो गया। मछलियों को बोला पतरस के जाल में आ जाओ, और इतनी सारी मछलियां आई जो रात भर की मेहनत से नहीं आई थी और पल भर में आ गई। यानी परमेश्वर सारे कामों पर सामर्थ्य था, सारे आश्चर्य कर्मों को करने में योग्य था वो, और जो कुछ वो चाहता था, जो कुछ मुझसे बोलता था सब होता था। समुद्र के तूफान को बोलता था थम जाओ, थम जाता था। तो प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर दिखाया, जबकि पानी के ऊपर कोई भी व्यक्ति चल नहीं सकता है, कितना भी वो कोशिश करे लेकिन चल नहीं सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर भी विजय पाकर बताई, और ये सब कुछ जो चिन्ह बताए उससे उसने प्रमाणित किया कि वास्तव में वो परमेश्वर का पुत्र है, सारी सृष्टि पर उसका अधिकार है, सारी बातों पर उसका अधिकार है। बोले तो बोले ये जो चिन्ह करके दिखाए थे वो तुम लोगों को पता है और तुम इस बात को जानते हो। प्रेरित काम 2 अध्याय और उसके बाद हम देखते हैं 23वें अध्याय से आगे क्या लिखता है। उसी को जब वह परमेश्वर की ठहरावी मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वा गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। ये सारी बातें पतरस बता रहा है कि योएल ने भविष्यवाणी करी थी उसके अनुसार ही सब कुछ पूरा हुआ है, और पतरस ये बोल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह को आपने परमेश्वर की ठहरावी मनसा के अनुसार पकड़ा था। परमेश्वर ने उसके विषय में जो इच्छा करी थी, जो उसके विषय में पहले से योजना बनाई थी, इसके कारण तुम उसे पकड़ पाए और तुमने उसको अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़ा के मार डाला। अब यहां पर हम देखते हैं कि उस समय में इसराइली और यहूदी लोगों ने ही पकड़वाया था, यानी अपनी खुद की परमेश्वर की अपनी जाति अधर्मी जाति बन गई थी, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था। दूसरे अर्थ में यह पत्रस ही समझाना चाहता है जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता वो अधर्मी है, और जो विश्वास करता वो धर्मी बन जाता है, और इसलिए लिखा है विश्वास धार्मिकता ठहराया जाता है। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर दिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के वश में रहता है। यह असंभव बात थी, अनहोनी बात थी। यहां तक योएल की बातों को प्रमाणित किया पत्रस ने। उसके बाद पत्रस एक और व्यक्ति के विषय में बोलता है कि उसने क्या भविष्यवाणी करी, और यह दाऊद की भविष्यवाणी है जो उसने बताई। परमेश्वर का दास दाऊद, जो परमेश्वर का प्रिय एक राजा था, उसने एक भविष्यवाणी की, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने दाहिने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है ताकि मैं डगमगा न जाऊं। दाऊद राजा प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहता है जिस समय में दाऊद राजा का राज्य था तब प्रभु यीशु मसीह नहीं था, उसके बावजूद दाऊद भविष्यवाणी करके बोलता है कि प्रभु मेरे सर्वदा मेरे सामने रहता है, सर्वदा अपने सामने देखता रहा मैं, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर खड़ा था ताकि मैं डगमगा न जाऊं, विश्वास में कमजोर ना हो जाऊं, डर के कारण कमजोर ना हो जाऊं, या शत्रु के कारण मैं कमजोर ना पड़ूं, शत्रुओं के कारण मैं डर ना जाऊं, इसलिए प्रभु मेरे दाहिने ओर हमेशा रहता था, हर समय मुझे प्रोत्साहन देता था, हर समय मुझे शक्ति देता था, हर समय मेरी मदद करता था, इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, पर मेरा सारा शरीर आशा में बसा रहेगा। दाऊद राजा बोलता है इसी कारण मेरे मन में आनंद भर गया, मेरी जीभ इतनी मगन हो गई, मेरी जीभ से इतना बड़ा धन्यवाद हुआ कि मैंने प्रभु के धन्यवाद किया, प्रभु को बहुत अच्छी गीतों से मैंने उसको आदर दिया, सम्मान दिया, उसकी आराधना की, वरन मेरा शरीर भी इस आशा में बसा रहेगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा।
एक भविष्यवाणी थी जो दाऊद ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में कही कि प्रभु यीशु मसीह के प्राण अधोलोक में हमेशा नहीं रहेगा और ना ही वो अपने पवित्र जन को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को सड़ने देगा। प्रभु यीशु मसीह 3 दिन तक कब्रिस्तान में रहा, 3 दिन तक धरती के अंदर रहा। 3 दिन एक इतना समय है कि इतने समय में एक लाश सड़ जाती है। एक लाश में इतनी बदबू आती कि आप उसको दोबारा निकालेंगे तो टूट जाएगी, साबुत नहीं निकलेगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह 3 दिन में सड़ने भी नहीं पाया, ना उसमें दुर्गंध आई, ना उसमें ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि वो पवित्र था और पवित्रता के कारण उसमें ऐसी कोई बात नहीं हुई जो साधारण मनुष्य में होती है। इसके द्वारा भी उसने साबित करके बता दिया कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर का ही पुत्र था। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देता है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में दाऊद बोलता है, जीवन का जो मार्ग है वो तूने बताया। परमेश्वर के विषय में ये नहीं बोल रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में बोल रहा है। और तूने मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर दिया। प्रभु यीशु मसीह कई बार दाऊद को दर्शन देता था प्रभु के नाम के द्वारा, क्योंकि उस समय में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की देह में था, अर्थात जो कुछ परमेश्वर बोलता था प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होता था, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा से होता था। और इसलिए लिखता है, और इसीलिए यूहन्ना इस बात को बोलता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का था और वचन शारीरिक देह लेकर आया और वचन प्रभु यीशु मसीह था। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई, प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा मनुष्य को बनाया गया, प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा सारी सृष्टि बनाई गई। तो ये हमने प्रमाणित करके देख लिया था कि यहाँ नीचे रहते हुए सारी सृष्टि पर अधिकार करके दिखा दिया उसने, समुद्र पर कर दिया, सृष्टि पर कर दिया, वातावरण पर कर दिया, पेड़ पौधों पे कर दिया, मनुष्यों पे कर दिया, समुद्र पे कर दिया, या जहाँ जो भी सृष्टि उसके हाथ की बनी थी हरेक के ऊपर उसने अधिकार जता के बता दिया। हरेक के ऊपर उसने अपना अधिकार बताया कि मेरा अधिकार है, मैं जिस किसी को जो कुछ कहूँ वो होगा। मनुष्य को, मुर्दे को आवाज दी और मुर्दा आवाज प्रभु यीशु मसीह की सुन के खड़ा हो गया। 4 दिन का लाजर कब्र में पड़ा हुआ था, उसकी बहनों ने और लोगों ने कहा, अब प्रभु क्या फायदा कब्र खोलने का, वो सड़ गया होगा, बदबू आती होगी। उन्होंने बोला, मैंने कहा खोल दो, उन्होंने खोल दिया। लाजर पूरा लपेटा हुआ था कपड़ों में और प्रभु यीशु मसीह ने आवाज दी, हे लाजर निकला। वो उठ के खड़ा हो गया और चलने लगा। उन्होंने बोला, फटाफट इसके सारे कपड़े खोल दो, सारे कपड़े उतार दो। तो उन्होंने क्या किया, जो पट्टे बांधे जाते थे उसके ऊपर लपेटे जाते थे, सब खोल दिया और लाजर उठ के खड़ा हो गया। प्रभु यीशु मसीह का जो अधिकार था, सारी सृष्टि पर अधिकार था, इसके द्वारा हम प्रमाणित कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह ही केवल आश्चर्य कर्मों को कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह केवल सब कुछ कर सकता है। तो इसमें दाऊद के विषय में पत्रस क्या बोलता है, हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि दाऊद तो मर गया और गाड़ा गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है, दोबारा निकाला नहीं गया वो। फिर उसने क्या बोला कि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा, ये उसने किसके विषय में बोला? फिर ये बोली भविष्यवाणी थी जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में बोला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दाऊद के गोत्र में से आया था, प्रभु यीशु मसीह दाऊद के वंश में से आया था, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को अपना, अगर उस तरीके से देखा जाए वंशावली के अनुसार, तो प्रभु यीशु मसीह दाऊद के कई वंशावलियों के बाद, करीबन 35 वंश के बाद आया हुआ है। 35 उसके पीछे 35 लोग निकल गए और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का आना हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह से 3500 साल, अगर 120 साल लगाते हैं तो काफ़ी साल बड़ा दाऊद था। उस समय में उसने प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी की थी, जबकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था। यानी करीबन 3500 साल या करीबन 4000 वर्ष पहले दाऊद ने इस बात की भविष्यवाणी की थी। तो बोलता, दाऊद तो आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है, ये प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद पत्रस इस बात को बता रहा है। यानी दाऊद को मरे 4000 वर्ष हो चुके हैं करीबन, उसके बावजूद दाऊद हमारे बीच में, दाऊद की कब्र हमारे बीच में। उसने, दाऊद ने अपने विषय में नहीं, प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी कर दी। तो सो भविष्यवक्ता होकर और यह जानकर कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा, उसने होनहार को पहले से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। दाऊद राजा ने देखा, इस होनहार को पहले से देख लिया,
इन बातों को पहले से समझ लिया है 4000 वर्ष पहले, और देखकर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी कर दी उसने। और ये दाऊद की भविष्यवाणी परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से हुई थी, और जो भी भविष्यवाणी परमेश्वर लोगों से करवाता था वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से, और परमेश्वर उनके मुंह में शब्द डालता था और वो लोग बोलते थे, ताकि वो भविष्यवाणी कभी भी असफल नहीं होती थी। जो मनुष्य आजकल भविष्यवाणी करते हैं उनकी भविष्यवाणी गलत हो सकती है, असफल हो सकती है, लेकिन उस समय के जो परमेश्वर के भक्त लोग थे, जो परमेश्वर को संपूर्ण मन से मानते थे, उनके द्वारा जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने करवाई थी, उन भविष्यवाणियों को परमेश्वर ने एक एक बात में पूरा किया। तो बोले उसका प्राण ना तो अधोलोक में छोड़ा गया, ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने दिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। पत्रस बोलता है यही प्रभु यीशु मसीह जिसके साथ मैं 3.5 वर्ष तक रहा, जिसके साथ में रहते हुए बहुत कुछ सीखा, प्रभु यीशु मसीह के व्यवहारों को सीखा, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को सीखा, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को सीखा, प्रभु यीशु मसीह की क्षमा करने की बातों को सीखा। पत्रस ने 3 बार इनकार किया था, यहूदा ने 1 बार भी इनकार नहीं किया, उसके बावजूद यहूदा बगैर माफी मांगे मर गया, और इसके लिए उसके विषय में लिखा इसका जन्म नहीं होता तो अच्छा था। लेकिन पत्रस ने 3 बार इनकार किया, लेकिन इनकार करने के बाद उसने पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगी और वो खूब रोया, प्रभु ने उसको क्षमा कर दिया। तो प्रभु यीशु मसीह की क्षमा दान को भी पत्रस जानता था, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को भी पत्रस जानता था, इसलिए पत्रस प्रभु यीशु मसीह के विषय में स्पष्ट गवाही देता है कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिलाकर दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद दिया, और पिता के वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने ये उंडेल दिया है जो तुम देखते हो सुनते हो। आज जो तुम देखते हो, आज जो तुम सुनते हो, क्योंकि पत्रस एक अनपढ़ मछुआरा था, तो बोलता है तुम जब मुझे देखते हो, जब तुम मुझसे सुनते हो, प्रभु यीशु मसीह के उन वचनों को मैं दृढ़ता के साथ बोलता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के विषय में चैलेंज करता हूँ कि वो आज जीवित है। तो बोले ये वास्तव में जब तुम देखते हो तुम्हें ये समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर के आत्मा ने हमारे साथ भी काम किया है, परमेश्वर के आत्मा ने हमें भी समझाया है कि ये वास्तविकता है, और हमने अपनी आंखों से देखा उसको, क्योंकि जी उठने के बाद 40 दिन तक इन लोगों के साथ प्रभु रहा है, कभी मिलता रहा, कभी कहीं ऐसे बार बार इनसे मिलता रहा। तो क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा है, परंतु वह आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना करूं। परमेश्वर के लिए भी प्रभु शब्द इस्तेमाल करता है दाऊद, और प्रभु यीशु मसीह के लिए भी प्रभु शब्द इस्तेमाल करता है। तो इस रीति से लिखता है कि दाऊद स्वर्ग पर नहीं गया, परंतु दाऊद क्या कहता है, परमेश्वर ने मेरे प्रभु यीशु मसीह को कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। जब तक तेरे बैरी तेरे पांव तले की चौकी न बने तब तक तू मेरे सिंहासन पर बैठा रहे। जब वो लोग सब तेरे पांव तले की चौकी बनेंगे, जब वो सब लोग तेरे नजदीकी में आएंगे, तेरे आगे झुकेंगे, और ऐसा एक समय आएगा कि मजबूरी में उनको तेरे न्याय के आगे झुकना पड़ेगा, तब मैं तुझे न्याय करने को भेजूंगा। सो अब इसराइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया था प्रभु ठहरा दिया और मसीह भी ठहरा दिया। इसराइल का घराना इस बात को जान ले, यह उस समय में इसराइली गोत्रों के बीच में, इसराइली लोगों के बीच में पत्रस प्रचार कर रहा था, क्योंकि पत्रस यहूना ये लोग इसराइली और यहूदियों के बीच में जाते थे क्योंकि ये खुद यहूदी थे। लेकिन पौलुस रूबेन बिन्यामिन गोत्र का होने के कारण, और पौलुस प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताता था इसलिए लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया, तो पौलुस अन्य जातियों की ओर चला गया, और पौलुस का जाना एक महत्वपूर्ण काम कर गया, पौलुस का जाना कई अन्य जातियों को बचा गया, और इसलिए इस रीति से परमेश्वर ने लोगों को बांट दिया कि पत्रस इनके पास जाएगा, वो अन्य जातियों के पास जाएगा। तो बोले प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया उसको परमेश्वर ने प्रभु ठहरा दिया, सबके ऊपर प्रभुता करने का अधिकार दे दिया उस परमेश्वर ने, और मसीह मसीह मंडली जो शब्द है वो एकता को दर्शाती है, जो इकट्ठा होने की बात को दर्शाती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को इकट्ठा कर दिया, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के कारण आज कलीसियाएं हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जो समझते हैं वो कलीसिया में इकट्ठे होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जो समझते हैं वो मसीह बन जाते हैं। तो बोलता है प्रभु यीशु मसीह पहले मसीह कहलाया, उसके बाद उसने अपनी मंडली को मसीही मंडली नाम दिया, और इस रीति से पत्रस ने लोगों को बोला, और पत्रस के बातों को सुनकर
लोगों के मन के अंदर एक ऐसी प्रेरणा हुई, लोगों के मन में ऐसी उत्तेजना जागी कि अपने अपने पापों से उन्होंने क्षमा मांगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और उसके बाद उन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया। और इस रीति से पतरस की पहले बार की जो सुसमाचार सुनाने की उसकी कथा थी और जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में समझाया था, उससे बहुत बड़ा प्रतिफल उसको मिला। करीबन 3,000 मनुष्य पतरस की कलीसिया में शामिल हो गए। अब इसमें ये यहूदी और इसराइलियों के बीच में प्रचार किया था, वो लोग भी हुए होंगे इन 3,000 में, और कुछ अन्य जाति भी होंगे जो इन 3,000 में होंगे। और इस रीति से पतरस का जो पहला सुसमाचार था प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद, प्रभु यीशु मसीह ने जब इनको बोला जाओ जाके प्रचार करो, उसके बाद पहले सुसमाचार के समय में पतरस ने करीबन 3,000 लोगों को बदल दिया। 3,000 लोग पतरस के सुसमाचार से परिवर्तन पा गए। तो ये एक योएल की एक भविष्यवाणी थी और एक भविष्यवाणी दाऊद राजा की थी। ये दो भविष्यवाणियों के विषय में आज हमने पढ़ा है। तो परमेश्वर जो भविष्यवाणी कहने के लिए जिसको ज्ञान देता है या भविष्यवाणी करने के लिए जिसको आज्ञा देता है, और वो अगर परमेश्वर की इच्छा से भविष्यवाणी करता है तो उसकी भविष्यवाणी अवश्य पूरी होती है। और ये हम बाइबल में जब पढ़ते हैं तो इस बातों को हम प्रमाणित कर सकते हैं कि परमेश्वर की कही हुई भविष्यवाणी है। और इस रीति से आज दो नबियों को, दो व्यक्तियों को हमने देखा, एक योएल को और एक दाऊद राजा को। दोनों ने भविष्यवाणी करके प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या कुछ हो सकता है, ये दर्शाया है। आज हमने प्रेरितों का काम 2 अध्याय और उसकी हमने 16 आयत से देखा है। 16 आयत से देख करके हमने इस अध्ययन को पूरा किया है 39 आयत तक। आज के इस अध्ययन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद मानते हैं हमारे लोगों के लिए। हम चाहते हैं जो लोग आपके वचन को सुनते हैं वो अपने मनों को तैयार करें, अपने मनों के अंदर पूरी रीति से प्रभु जो आपको समझे, आपको जाने, आपके पर संपूर्ण भरोसा करें और अपने जीवनों को परिवर्तन करके अपने पापों से पश्चाताप कर लें, जिससे प्रभु, क्योंकि ऐसा लगता है कि अंतिम दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, इससे पहले अगर कोई बदल गया तो उसको एक अवसर है प्रवेश करने का, लेकिन उसके बाद यदि कोई आया है तो उसको अवसर नहीं मिलेगा। तो ये बहुमूल्य अवसर लोगों को प्राप्त होने के लिए, बहुमूल्य अवसर का लोग लाभ उठाएं, ऐसा हम चाहते हैं, ऐसा हम आपसे निवेदन करते हैं। प्रार्थना सुनिए। धन्यवाद। हमारी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन।